जावले टीम ने चैलेंजर परगाड़ों को महज 46 रन बनाने का मौका नहीं दिया था। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, कलायु के सहारे इस गेंद को मोड़ा। प्रभाकर ने एक रन हासिल किया और इस एक रन से खाता खुल चुका है कामोजी टीम को। शुरुआत में आना और मुकाबले का फैसला अपनी टीम की तरफ लेकर ही वापस आना, यह खासियत है। और ये देखिए कलाइयों के सारे मोड़ा इस गेम को ऑनसाइड के ऊपर, शॉट्स लेने के ऊपर। धन्यवाद दिव्या। तो ग्राम पंचायत सदस्य अनंत भरत साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा और इसी के साथ काबिले तारीफ थे। मैं अनंत भरत साहब शाल श्रीफल पुष्पगुच्छ देवन स्वागत करना चाहते हैं। बार के एंड कंपनी को अगर इस टीम को हराना है तो गेंदबाज प्रदीप तैयार इस ओवर की अगली गेंद अक्रॉस द लाइन खेला और ये देखिए ये होता है स्प्लिट। अगर आप जीत रहे हो तो हर तरफ आपके लिए अच्छा होता है। एक और 500 सुरेश पाटिल ओम को चलते हुए बड़ी बड़ी टीमों को हैरान कर सकती है इस ओवर की अंतिम गेंद। और ये देखिए ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, शॉर्ट फाइनल के ऊपर गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट शूट होगी। तो दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका। दो ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 10 रन, लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे अभिषेक पाटिल। धन्यवाद प्रवीण। दोन षटकांचा खेल संपला, तिसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीला एकदा मिळती 11 धावा आणि खाली जबरदस्त ऋषी नाईक आपल्या बाजूला बसले। ऋषी नाईक खरोखर ऑलराउंडर परफॉर्मन्स त्यांनी दाखवलाय, कारण पंचांचे काम केलं, स्कोअरचे काम करतायत, आम्हाला मधी मधी कपडेचे काम करतात, म्हणजे कुठे काय चुकलं तर ते चांगलं म्हणजे गार्डन्स करतात ते ऋषी नाईक। एक धाव मिळतीय चंडूवरती आणि एका धाव्याच्या बरोबरीनं 19 धावसंख्या होती होती। ते आयोजक पण आहेत, त्यामुळे पंडळला बोलतील ते ज्यावेळेस टुर्नामेंट असते त्यावेळेस। आणि त्यांची टीम पण नाही प्रवीण या स्पर्धेमध्ये खेळत नाहीये, बघितलं मुर्डीच्या बरोबरीनं धाव फलकामध्ये बदल होतोय, धावा होतात त्या 18 धावा धाव फलकावरती होतात। गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा प्रदीपचा हा चेंडू, जबरदस्त गोलंदाजी, सरळ चेंडू विकेट कीपरच्या हातामध्ये। 3 षटकांचा खेळ संपलाय, धाव फलकावरती धावा येतात फक्त 18 धावा, एक जबरदस्त गोलंदाजी प्रवीण। आता प्रेक्षकही विचार करत असतील की हाच का तो कामोदय संघ आणि महज 33 रन लक्ष्य निकालनी होगी तभी जाके इस मुकाबले में बनी रह सकती है जावले की टीम। और ये देखिए हर एक रन के लिए संघर्ष करना जरूरी है। मैंने जब प्रदीप रुपेश के लिए सिंगल निकाल रहे हैं, जानते करावे के ये धोंधु अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और ये ऊंचा उधर कैच होने की संभावना और इसी के साथ पहली सफलता। चौथी बार ऐसा हुआ है सीरीज में जिस खिलाड़ी ने मानो तो सीरीज का खिताब जीता हो दूसरी श्रृंखला में। वो सुरेश पाटिल लेदर क्रिकेट के जब खेलते थे तो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर उतर आते उतरते थे। 26 गेंदे 30 रनों की जरूरत। प्रदीप तैयार वेरिएशन के तौर पर अगर यहाँ पर 50 रन बनाती जावड़ी की टीम तो यकीन के गेंद पर गेंदबाज प्रदीप तैयार। और ये देखिए बैक टू पर गए थे, कट करने की कोशिश की थी अंपायर्स का, ओवर समाप्ति का इशारा। चुनू आणि उर्वरित टिकण्यासाठी 17 धावा। हा शॉट चेंडू होता, पूल केलेला आहे चेंडू बरोबर डीप पास फेरलेक्ष लागणार आहे गोलंदाज प्रदीप याला। आता मात्र बॅटची आपली कडा लागते, बेस्ट फील्ड होते आणि चेंडू आहेत 15 आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज आता मात्र दिशा दाखवली चेंडूला सुरक्षात्मक स्वरूपाने खेळण्याचा प्रयत्न। रंग बदलता हुआ ये मुकाबला क्या होता है ये देखना जरूरी है। हवा में खेली है इस गेंद को खिलाड़ी गेंद के बीच और एक जबरदस्त कैच, विकेट का पतन।